Welcome to Sajal Maheen Vlogs. Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. This is me Sajal. तो friends, आज मैं आपको दो अहम ज़ियारतों पे ले चलती हूँ. तो आज हम ज़ियारत करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारा चश्मे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती के. तो चलिए चलते हैं. पहले हम जाएंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के गांव में. तो चलिए चलते हैं. अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी. और यहाँ अंदर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं. पर हम फ्राइडे के दिन गए थे तो ये बंद था, इसलिए हम अंदर नहीं गए थे. मैंने आपको बाहर से ज़्यारत करवा दी यहाँ की. और कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी यहाँ पर किसी एक घर में हुई थी. और कहा जाता है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है. शुएब अलैहिस्सलाम की गांव से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी और बारह चश्मे निकले थे. रास्ते में हमने खाने के लिए कुछ ले लिया. जब मूसा अलैहिस्सलाम बिन इसराइल को लेके आ रहे थे मिस्र से और जा रहे थे फ़िलिस्तीन की तरफ, और रास्ते में पानी की ज़रूरत महसूस हुई, वहाँ पर 12 कबीले थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी पत्थर के ऊपर, तो वहाँ से 12 चश्मे निकले और हर कबीले के लिए एक चश्मा था. और अभी हम पहुँच चुके यहाँ पर जहाँ पर 12 चश्मे अभी तक मौजूद है. तो यहाँ की ज़ियारत भी मैं आपको करवाती हूँ और इसका ज़िक्र कुरान में भी है. और ये जगह सऊदी के एक इलाके मदीन में मौजूद है. पर बैठने की भी जगह है. ये प्यारा सा नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा. पर मैं बैठ चुकी हूँ खाई गाई से तो है, एंड बहुत ही प्यारी हवाई चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है. आपको बता दूँ हम इसी रास्ते तक से आए हैं एंड वहाँ पर भी पूल है, वहाँ से हम आए. ये सारा नज़ारा जगह है ना, बहुत ही प्यारी. यहाँ पर आपको बैठने के लिए चेयर्स, वॉशरूम्स वगैरह सब चीज़ें आपको अवेलेबल होती है, एंड डस्टबिन भी होते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर वॉशरूम्स. हाँ